नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 12 मानव का पेशीय तथा पाचन तंत्र इस घटक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेशीय तंत्र। तुम्हारे हाथ के पंजे की मुट्ठी पक्की तरह बांधकर हाथ को कोहनी के पास से मोड़ो। दूसरे हाथ की उंगलियों से भुजा की जांच करो। क्या ज्ञात हुआ? क्या भुजा का ऊपरी भाग सख्त महसूस हुआ? इसी मांसल भाग को पेशी कहते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियां संचालित करते समय मांसपेशियां संकुचित और शिथिल होती है। अब हम देखेंगे पेशी। आवश्यकता अनुसार संकुचित और प्रसारित हो सकने वाले असंख्य तंतुओं के समूह को पेशी कहते हैं। पेशियां अस्थियों से पेशीय बंध द्वारा मजबूती से जुड़ी होती है। पेशियों में आकुंचन होने पर संधियों के पास गतिविधि होने से अस्थियां एक दूसरे के समीप आती है या दूर जाती है। पलक झपकने की छोटी सी क्रिया से लेकर कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ने जैसी मेहनत की गतिविधि तक शरीर की सभी क्रियाएं पेशियों के द्वारा ही घट होती है। बोलना, हंसना, चलना, कूदना, किसी वस्तु को फेंकना जैसी विविध गतिविधियों के लिए हम पेशियों का उपयोग करते हैं। शरीर के सभी अंगों में पेशियां होती है। मनुष्य के शरीर की वृद्धि के साथ पेशियों की भी वृद्धि होती है। क्या तुम जानते हो, मनुष्य के शरीर में 600 से अधिक पेशियां होती है। वयस्क निरोगी व्यक्ति के शरीर का लगभग 40% वजन मांसपेशियों का होता है। मनुष्य के चेहरे में लगभग 30 पेशियां होती है। इन पेशियों की गतिविधियों के कारण आनंद, दुख, डर जैसे अनेक भाव दिखाई देते हैं। हमारे सिर, मुंह, नाक के चारों ओर छोटी पेशियों के वृत्त होते हैं। इन्हीं छोटी पेशियों के कारण ही हमारे चेहरे पर विविध भाव दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे पेशियों के प्रकार। ऐच्छिक पेशी, हाथ से कार्य करना, चलना, भोजन ग्रहण करना जैसे कार्य अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। ऐसा कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। उदाहरणार्थ हाथ और पैर में ऐच्छिक पेशियां होती है। दूसरा है अनैच्छिक पेशी। श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण करने वाले हमारे शरीर के कुछ अवयवों के कार्य जीवन आवश्यक होते हैं। ये अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे अंगों में उपस्थित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। आमाशय, आते, हृदय जैसे अवयवों के कार्य निश्चित प्रकार से अनैच्छिक पेशियों की मदद से होते हैं। पेशियों के प्रकार। पहला है अस्थि पेशियां। अस्थि पेशियां, इस पेशी के दोनों सिरे दो विभिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ हाथ और पैर की पेशियां, उनकी गतिविधि ऐच्छिक होती है। ये पेशियां अस्थियों के कंकाल को एकत्र रखने और शरीर को आकार देने का कार्य करती है। हृदय की पेशियां, इन पेशियों द्वारा हृदय का संकुचन और शिथिलीकरण होता है।
इनकी गतिविधि अनैच्छिक होती है। हृदय की पेशियों के कारण प्रति मिनट में हृदय का लगातार लगभग 70 बार संकुचन और शिथिलीकरण होता है। मृदु पेशियां शरीर की अन्य अंतरेंद्रियों में ये पेशियां पाई जाती है, उदाहरणार्थ आमाशय, आते, रक्तवाहिनियां, गर्भाशय आदि की पेशियां। उनकी गतिविधियां अनैच्छिक होती है, गतिविधियां धीमी और अपने आप होने वाली होती है। इन विशेष पेशियों द्वारा शरीर के अनेक जीवन आवश्यक कार्य बिना हमारी जानकारी के ही होते रहते हैं। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।